कैंसर का नाम सुनते ही शरीर में सेहरन दौड़ जाती है, आदमी को लगता है कि अब तो बचना मुश्किल है। लेकिन आज हम लोग उस युग में जी रहे हैं जहां पर कैंसर का इलाज अगर सही समय पर और सही तरीके से कराया जाए तो करना और कैंसर का ठीक होना संभव है, बशर्ते कि हम लोग सही तरीके से उसका इलाज करा पाए। तो आज मेरे साथ एक ऐसा ही कैंसर का पेशेंट मौजूद है जिसको छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत हाई लेवल का कैंसर था, लेकिन उन्होंने सही तरीके से और प्रॉपर इलाज लिया है और आज वो बिल्कुल ठीक हैं और मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? पिंकी, आपको क्या था, कैंसर कहाँ था? पेट में। अच्छा, तो क्या दिक्कत क्या होती थी आपको? ये सारी दिक्कत पैर में उल्टियां बहुत करती थी और खाना वाना सब छूट चुका था। तो फिर आपने पहले कहाँ इलाज कराया था, शुरुआत कहाँ इलाज कराया आपने? पहले जी मेरठ कराया, पहले तो सामली में ही कराया, सामली के बाद फिर हमने मेरठ कराया, फिर मेरठ के बाद हमने यमुनानगर कराया, एम्स में भी गए शायद आप लोग। तो सब जगह इलाज करा के थक गए, ठीक नहीं हुआ तब तक। फिर आप कहाँ पहुँचे बाद में? यहाँ कौन सा अस्पताल है? सुखम हॉस्पिटल। तो सुखम हॉस्पिटल में कितने दिन इलाज कराया है आपने? अभी तो चल ही रहा है, दवाई खा रही है। कितने दिन से चल रहा है इलाज आपका? 6 महीने। तो अभी आपके टेस्ट हुए हैं वो कैसे आए हैं? सब नॉर्मल आए हैं। नॉर्मल आए हैं? बहुत बड़ी बात कह रही हैं, ये कह रहे हैं कि जी हमारे सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं और इन्होंने एम्स तक कई सारे अस्पतालों के इन्होंने नाम लिए हैं, 3-4 हॉस्पिटल में ये गए हैं, परेशान हुए हैं, इवन एम्स तक पहुँचे हैं। तो ये बड़ी बात है और ये भी जानेंगे, इनके साथ इनके पति भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं उनका नज़रिया क्या रहा। जी, आप कहाँ, ये आपकी पत्नी है? जी। अच्छा, क्या क्या दिक्कत थी वो? तो पेट में कैंसर था। पेट में जी। तो आपने कहाँ कहाँ इलाज कराया इनका? पहले मेरे दिखलाए वो, फिर यमुनानगर ले गए, फिर एम्स में ले गए, उसके बाद किया। तो अब ठीक हैं जी? कहाँ, अब सुखम में इलाज कराया आपने? सुखम हॉस्पिटल देहरादून। जी जी। तो अब इनकी जो जिंदगी है वो ठीक चल रही है, मतलब पहले की तरह हो रही है? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से कैंसर, पेट का कैंसर और लाइलाज कैंसर जिसे हम कहते हैं वो ठीक हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर सही तरीके से इलाज कराया जाए तो अब कैंसर लाइलाज नहीं है। और जिस हॉस्पिटल का इन्होंने नाम लिया है, उस हॉस्पिटल के एमडी और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ऋजु कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके का इनका कैंसर था और किस तरीके की किस थेरेपी पे आपने काम किया जिससे आपने इस लाइलाज बीमारी को काबू किया। आइए जानते हैं डॉक्टर ऋजु कुमार से। डॉक्टर ऋजु कुमार, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद एक्सप्रेस न्यूज भारत। और सबसे पहले जब ये हम लोगों के पास आए तो ये ICU लेवल पेशेंट थे, इनका डाइजेशन बिल्कुल बंद हो चुका था, कुछ भी खा नहीं पा रहे थे और ये रेफर किए गए थे एम्स से। एम्स के रेफर होने के बाद इन्हें मना कर दिया गया था कि अब इनका कोई चांस या रिकवरी का कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने इन पर एंटी मेटास्टेटिक थेरेपी स्टार्ट की, हमारे CF रिजुविनेशन थेरेपी हम लोगों ने की और उसके बाद इनकी इंटरनल मेडिसिन हम लोगों ने स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे 1 महीने बाद इनमें रिकवरी आनी स्टार्ट हो गई। इनका जो स्टोमक कैंसर था वो लगभग 23 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई थी उसमें, जो कंप्लीट स्टोमक को कवर कर रहा था। बट जब 6 महीने तक ये दवाई लेते रहे उसके बाद हम लोगों ने दोबारा से सिटी के लिए इनको बताया और जब सिटी इन्होंने दोबारा कराई तो ये कम्प्लीटली क्योर हो चुकी थी और अभी भी इनको कोई सिम्टम्स नहीं है और इनका पूरा की पूरी रिकवरी आ चुकी है। और फिर भी हम लोग अभी इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखे हैं ताकि ये दोबारा से रिग्रोथ ना हो। डॉक्टर साहब, इनकी जो जांच है, जांच रिपोर्ट आ गई है, अगर वो जांच रिपोर्ट हो तो जरा सा आप दिखाएं, क्योंकि ये अविश्वसनीय सा लगता है, क्योंकि आज के दौर में कैंसर ठीक होना और इतना बड़ा 23 सेंटीमीटर शायद आप बता रहे हैं,
तो 23 सेंटीमीटर होना बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूंगा कि आप वो रिपोर्ट भी अगर एक्सप्रेस न्यूज भारत को दिखा सकें। ये इनकी नॉर्मल रिपोर्ट है, इसमें लीवर और वो सब नॉर्मल आए हैं। इवन जो लास्ट में भी इन्होंने एक टर्म यूज कर दिया इम्प्रेशन में कि देयर इज अ नो इंटरनल एब्डोमिनल मास लीजंस मेंशन इन द प्रीवियस सीटी रिपोर्टेड नॉट सीन इन दिस स्कैन। मतलब इसका मतलब है कि जो पहले इनका ट्यूमर या कैंसर जो था इनको वो इस रिपोर्ट में नहीं है। तो ये रिपोर्ट्स हमारे साथ हैं जो दिल्ली सिटी स्कैन सेंटर की रिपोर्ट्स हैं, जिसमें दिखाया गया है कि इनको जो कैंसर था वो ठीक हो चुका है, अब कोई इस तरह के कॉज इनके शरीर में नहीं है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हम धन्यवाद करते हैं सुखम हॉस्पिटल का और साथ ही बधाई देते हैं पेशेंट्स को भी कि उनको बहुत शुभकामनाएं, आपने इस लाइलाज बीमारी से लड़कर जीते हैं। और डॉक्टर रिजू को भी बहुत बधाई। डॉक्टर रिजू, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सबसे पहला मैसेज यही रहेगा कि इन्होंने सबसे अच्छी बात ये की कि ये सबसे पहले आयुर्वेद चुना, और जब कोई आयुर्वेद को चुनता है तो हमारे पूर्वजों से ये इलाज चले आ रहे हैं और बोला जाता है कि ये जड़ से समाधान करता है, जो यहाँ पर हमें देखने को भी मिला है। तो मेरा सबसे मैसेज यही है कि आप घबराए नहीं कैंसर होने पर, आप सही जगह अपने आयुर्वेद के द्वारा इलाज कराएं जिससे यह पूर्णतः आपके शरीर से जा सकता है। अगर आप कीमो रेडियो बायोप्सी के लिए जाएंगे तो ये बढ़ता ही रहेगा और ये मेटास्टेट होता जाएगा और फिर डॉक्टर लोग आपको मना कर देते हैं। तो ये थे डॉक्टर रिजू जो बता रहे थे कि अगर आप सही समय पर और बिना छेड़छाड़ के इसका इलाज कराते हैं, आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है। बस यही है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होता है, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, बीमारी लंबी है तो जाहिर सी बात है इलाज भी थोड़ा सा लंबा होता है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद पर विश्वास करें और सही तरीके से इलाज कराएं, कैंसर जानलेवा तो है लेकिन उससे जान बचाई भी जा सकती है। बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देखने के लिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट expressnewslive.in पर भी विजिट कर सकते हैं।